तो ये है पहला पराठा, ये इस लाइक हार्ट, ये इसकी हार्ट शेप इसलिए यह है क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, तो दिस इज साइन ऑफ लव। कोई आया है हमारे घर पे हमें गुड मॉर्निंग कहने। हेलो गुड मॉर्निंग। तो यार ये अपना है वाटर प्यूरीफायर, पूरी रात चलता है इसके अंदर, हम प्रेगनेंस डालते हैं, बंदा हमें पूरी रात खुशबू देता है, घर में मच्छर वच्छर नहीं आने देता। गाइस वेलकम बैक, आज है वेडनेसडे और आज मेरा डे ऑफ है, तो आज बहुत बहुत सारे काम करने हैं। आज फुल बॉडी चेकअप के लिए जाना है बिकॉज लास्ट ईयर हेड यूरिक एसिड इशू, तो आज फुल बॉडी चेकअप कराना जरूरी है, हेयर कट भी कराना है, बुक है वो भी फिनिश करनी है, क्योंकि लास्ट 5-6 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था गाइस, तो मैं सोया भी नहीं सही से, रात को 2-2, 3-3 बजे स्टोर में फोन करना पड़ रहा था उठ के बार बार। आई जस्ट वोक अप, आई जस्ट कंप्लीटेड माय स्लीप, बट स्टिल मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। दिस इज माय जिम, I'm gonna join that gym. मेरा बहुत बहुत मन है लेकिन I don't know मैं join कर पाऊंगा कि नहीं, because I had a back issue. Last time when I was doing gym 4 years back because of the deadlift I lost my back. But for joining gym I'll consult with the doctor. If doctor allows me to join then only I'll join. Otherwise I will not join. So तो आज मेरा मन कर रहा है कॉफी बना के पीने का, लिया ने मना कर दिया कि उसको कॉफी नहीं पीनी है क्योंकि वो आके कुछ बनाएगी आलू के पराठे पराठे, तो कॉफी नहीं पीनी है, लेकिन मुझे कॉफी पीनी है तो मैं कॉफी बनाऊंगा पहले, उसके बाद ही कुछ करूंगा, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीता कॉफी नहीं पीता तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी इंद्रियां खोलने के लिए, तो आज मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं कॉफी बनाने का, एक बहुत ही बेहतरीन कॉफी है और आपकी कॉफी ऐसे बनेगी गोल्डन कलर की। थोड़ी सी कॉफी लेनी है आपको, एक चम्मच कॉफी अपनी कप में डाल लीजिए, और जितनी भी आपको शुगर चाहिए, जैसे कि मैं शुगर कम लेता हूँ तो मैं आधा चम्मच ही शुगर डालता हूँ इसके अंदर। पानी गर्म करके उसको एक चम्मच के अंदर गर्म पानी डाल दें ऐसे, इसको बढ़िया से फेंटो, मतलब सही से मिक्स करना है इसको कि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाएगा। और ये गई कॉफी में कॉफी, तो भाई ये अपनी होगी कॉफी तैयार, गोल्डन एकदम गोल्डन हो गया कॉफी का कलर। इसको जितना ज्यादा फेंटोगे ना उतना ज्यादा ये गोल्डन कलर रिलीव करती जाएगी और फिर कॉफी आपकी उतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी। अब बस ये काम तो कॉफी तो बनेगी, लेकिन ये जो दूध गिर जाता है यहाँ पर, जो बर्तन बांधने पड़ते हैं ना, ये मुझे सबसे ज्यादा ओखा लगता है यार। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि सुबह उठ के कॉफी पीऊं, अभी ले आने वाली है, उसके बाद आगे उसने आलू के पराठे नहीं, रात को हमने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो जो कि थोड़ी बच गई थी, तो ये उसी के दिमाग की उपज है कि वो उनके पराठे बनाएगी, टेढ़े मेढ़े पराठे बनाती है, लेकिन आई डोंट नो से कुछ हो जाता है। हैज वन टेंडेंसी, इफ टुडे शी कुक्ड आलू गोभी देन नेक्स्ट वीक अगेन शी विल, एंड द सेकंड वीक देन थर्ड वीक देन फोर्थ वीक, आई डोंट नो इफ शी प्रैक्टिस दिस वन और शी डज अननोइंगली, आई हैव नो आइडिया, बट लिया कुक्स वेरी डिलीशियस फूड नाउडेज। ओ थिंक अबाउट डेविल एंड डेविल इज हियर, आते डेविल वाले काम भी शुरू कर दिए, कैन यू होल्ड, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दैट। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यू फीलिंग लाइक यू आर इन द जिम? तो ये इतना बड़ा हो गया हमारा टिड्डा, चलने लगे अपने आप, दूध पीता है, दूध को दे दे बोलता है, बहुत शरारती हो गया। तो ये है पहला पराठा हार्ट, ये इसकी हार्ट शेप इसलिए यह है क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, तो दिस इज साइन ऑफ लव। दिस इज द फर्स्ट पराठा दैट लिया कुक टुडे, बट द गुड थिंग इज शी गॉट सो मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट कुकिंग इंडियन फूड, एंड आई थिंक दिस इज हर फर्स्ट अटेम्प्ट मेकिंग वेजिटेबल पराठा। ये चॉकलेट स्टिक खाती है, इसको बहुत पसंद है चॉकलेट स्टिक। ओ मेरा बेटा, दिखा रहा सबको, ये है माय स्ट्रॉन्ग बेबी, माय स्ट्रॉन्ग गर्ल, राइट, माय बिग गर्ल, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, तू मासूम। दादी आ गई, दादी, ये दादी, नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते। तो ये पराठा जो बेटर शेप में है, अब जो थर्ड बनेगा वो इसी बेटर शेप में बनेगा। ये बिल्ली के दो कान, एक कान यहाँ पे, एक कान छोटा है, और ये बिल्ली का मुंह है, तो ये बिल्ली पराठा है। तो पराठा रेडी है, और ये रही गोभी, सी गोभी की आज के पराठे बनाए हैं आज ले आने। वैसे तो ये कोई फूड ब्लॉग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये आलू गोभी की सब्जी, और ये आ गई अपने पराठे, ये आ गई अपनी लस्सी, और ये आ गई अपनी योगर्ट।
वन मोर मैंने अब दो ही रखते हैं। तो भाई स्वाद है, टेस्टी है, पराठे सही बने हैं, 100 में से 90 नंबर। तो गाइस मैंने हेयर कट भी करवा लिया और शावर भी ले लिया और अब मैं जाऊंगा सीधा वो। अभी डॉक्टर को फोन करके पता किया है कि क्लिनिक खुला है या नहीं खुला है, तो डॉक्टर ने बोला कि क्लिनिक खुला है, तो बस पास में ही है घर के, ये हमारे घर के पास में सबसे पास में है, जो एक लाइक अच्छी चीज है जो हमारे घर के, वो सबसे वो सामने क्लिनिक है। नो वन विल क्रॉस द रोड अनलेस द लाइट टर्न्स ग्रीन, दिस इज व्हाट मेक्स दुबई बेस्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पीपल हैज सो मच टॉलरेंस हियर। और ये अपनी बिल्डिंग, ये रहा अपना क्लिनिक, ये बिल्डिंग, ये क्लिनिक, ये क्लिनिक, ये बिल्डिंग। ये जगह थोड़ी ना क्राउडेड है, लेकिन ये है कि कन्वीनियंट है, यहाँ पे सब कुछ आस पास है, बिल्डिंग के नीचे सुपरमार्केट है, बिल्डिंग के सामने होटल है, क्लिनिक है, बस स्टॉप बिल्डिंग के साइड में है, तो जिम बिल्डिंग के पास में है, तो इतना कुछ आस पास है ना, तो इसलिए यहाँ रहना बहुत ही कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे 8 से लेकर 8, 9, 10 पेशेंट बैठे हुए थे, सबके सब जा चुके हैं और 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे बैठे बैठे, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि एकदम घर चला जाऊँ उठ के। अभी डॉक्टर वाज सो गुड, अभी उन्होंने लिख के दे दिया सुबह खाली पेट जाना है, अभी शायद ECG होगा, बाकी जो सारे नॉर्मल टेस्ट होंगे वो सब होंगे, डिपेंड करता है इंश्योरेंस अप्रूवल के ऊपर, जितने भी टेस्ट होंगे वो सब हो जाएंगे कल। अब आ गया घर, अभी खाना वाना ऑर्डर करता हूँ, खाता हूँ, कल सुबह मॉर्निंग शिफ्ट भी है, अभी मालूम नहीं कैसे होगा। तो भाई आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, कल मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है और बहुत सारे दूसरे काम भी हैं और स्टोर भी जाना है, और लेट्स सी, आई होप कि कल का दिन अच्छा हो। सुबह के 9 बजे हैं यार, ECG कराने जा रहा हूँ, डॉक्टर ने बुलाया था सुबह सुबह, उसने बोला था कि सुबह सुबह खाली पेट आना है, जब कोई खाली पेट बोलता है कि सुबह खाली पेट आना है तभी ज़्यादा भूख लगती है, तभी ज़्यादा खाने का मन करता है। तो देखना है कि अभी क्या होता है, डॉक्टर ने और भी टेस्ट करने हैं, जो इस कंपनी से अप्रूवल आ गया होगा तो बाकी सारे टेस्ट हो जाएंगे आज। कौन कह रहा है कि दुबई में रहते ही रहते, देख रहे हो ना, फुल मनी कैन बाय एवरीथिंग मैन।